प्यारे बच्चों, आज हम उद्यान पाठ के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस चित्र में आप देखिए, हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक बाल बगीचा के नाम से यहाँ पे एक द्वार दिखाई दे रहा है और बीच में एक फव्वारा दिखाई दे रहा है। बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और पेड़ों पर कुछ पक्षियाँ बैठ रहे हैं और उड़ रहे हैं। तो यह पूरा चित्र देखने के बाद हमें क्या लगता है कि ऐसे उद्यान कहाँ रहते हैं, उद्यान में क्या क्या रहता है, इसका जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। तो बच्चों, अब हम कुछ चित्र देखेंगे, चित्रों के सहारे हम इस पाठ को पूरी तरह से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो उद्यान कैसा रहता है बच्चों? हमारे गांव में एक उद्यान है, इसका मुख्य द्वार बहुत सुंदर है। इस चित्र में आप देख रहे हैं द्वार कैसा होता है एक उद्यान का, फूलों से सजा हुआ द्वार। देखिए इस चित्र में एक उद्यान का द्वार हम इस चित्र में देख रहे हैं और उसी के साथ यहाँ रंग बिरंगे फूल है। उद्यान में रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ होते हैं। तो इस चित्र में देखिए बच्चों, एक ही उद्यान में किस तरह से रंग बिरंगे फूल से खिल रहे हैं, इस चित्र में आप देखिए। कई प्रकार के वृक्ष हैं, हरी पत्तियों और हरी फूल और फूलों से भरी हुई वृक्षों की डालियां बहुत सुंदर लगती है। इस चित्र में देखिए बच्चों, हरे हरे पेड़ है और रंग बिरंगे फूल है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं। तो इन सब को देखने से हमें मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत ही आनंद हमें लगती है। तो गर्मी में हम इनकी छाया में बैठते हैं। हमें गर्मी के मौसम में अगर पेड़ दिख गया तो उसके नीचे जाकर हम छाया में बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, माली गड्ढे खोदकर पौधे लगाता है। माली कैसा रहता है इस चित्र में देखिए, एक माली पेड़ पौधों को पानी डालते हुए दिखाई दे रहा है। माली पूरा उद्यान का देखभाल रखता है, पेड़ पौधे लगाता है, गड्ढे खोदता है, कूड़ा कचरा दूर कर देता है, साफ कर देता है और इस प्रकार पेड़ पौधों की रक्षा करता है। पूरा उद्यान का वह एक हवलदार के समान काम करता है। तो इस प्रकार हम एक माली के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ हर दिन पेड़ों पर तोते, मैना और कई पक्षी आकर बैठते हैं। तो बच्चों देखो, तोता, तोता कैसा रहता है इस चित्र में देखिए आप। हाँ, ये क्या है, तोता, हरा रंग का एक सुंदर पक्षी, जो हम जिस प्रकार बात करते हैं वो वैसी बात करने की चेष्टा भी करता है तोता। तो इसे देखकर आपको बहुत खुशी मिल रही है ना। तो बच्चों, ऐसे कुछ पशु पक्षी आकर पेड़ के ऊपर इस उद्यान में बैठते हैं। और देखिए यहाँ पे बीच में एक फव्वारा है, फव्वारा देखिए इस उद्यान का शोभा बढ़ाती है। चित्र में देखिए बच्चों, फव्वारा कैसा रहता है और किस प्रकार अपने पानी को ऊपर फेंकते हुए हमें बहुत ही आनंद देता है। तो ये है फव्वारा, उद्यान की शोभा बढ़ाता है। तो बच्चे यहाँ बड़े आनंद के साथ खेलते हैं। तो ऐसे उद्यान ही देश की, राष्ट्र की शोभा बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आप सभी भी अपने अपने गांव में किसी भी अगर उद्यान के पास जाकर अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ अच्छे तरह से आनंद करते हुए, खेलते हुए आप जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस पाठ के द्वारा उद्यान और उद्यान में क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में जान चुके हैं।
तो बच्चों इस या इतना कहकर मैं आज का पाठ समाप्त करता हूँ। आप सभी को आशीर्वाद।